ये मीटर है, ये तो डेड पड़ा होगा, ये तो टूटा होगा जनाब। ये हमने रिक्वेस्ट लेके दी हुई है वापडा को। एक मंथ से बिजली आप फिर ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं चोरी की, और एक माह से इस पे एक्शन ही नहीं लिया गया। तो नहीं लिया गया ना, अब रिप्लेस होता तो फिर यहाँ पे लगा होता ना, यूनिट्स भी चल रहे होते, सारा कुछ आ रहा होता स्क्रीन। मीटर जो है हमारा ख़राब है, लेकिन वापडा वाले जो हैं वो यूनिट एडजस्ट करके जो है हमें बेच देते हैं। ये सरकारी जगह है लेकिन मीटर नहीं है। अमीर जितना मुल्क लूटता है लूट सकता है, गरीब को मरना है तो इसका ये मतलब है। ये आप देख लें, इनका तकरीबन 4 लाख के करीब जो है इनका बिल है, जो कि अदम अदायगी है इनकी। अच्छा जी नाजिन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लारी अड्डे के पास पनाह गाँव में, और हमें बताया जा रहा था कि इस पनाह गाह का मीटर नहीं है। अभी पता करते हैं कि मीटर है कि नहीं है, और बाहर मौजूद हैं और एक भाई मौजूद है अंदर, इनसे मैं बात कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है मेरे भाई का? सलमान। सलमान भाई सेहत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या ड्यूटी है इधर? गार्ड की है। गार्ड की ड्यूटी है, और मीटर है जी? मीटर है पनाह गाह का? कन्फर्म नहीं है, मैं नया। तो कौन है इधर अंदर, कौन मौजूद है? कोई इंचार्ज वगैरह है, मैनेजर है जी? क्या नाम है? इरफान साहब। इरफान साहब को बुलवाए जरा। नाजिन इरफान साहब आ गए हैं, और इरफान साहब को वहाँ पे लेके चलते हैं। इरफान साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, आप भाई हैं हमारे। अच्छा ये बता दें, इस पनाह गाह का मीटर है? हाँ जी है। मीटर, मीटर है। किधर है? ये लगा हुआ है सामने। आए दिखाएं जरा। आ जाए जी, इरफान साहब ने कहा जी, और क्या ड्यूटी है आपकी यहाँ पर? मैं यहाँ पे डाटा ऑपरेटर हूँ, जूनियर क्लर्क जी। जूनियर क्लर्क हूँ यहाँ। जूनियर क्लर्क हैं। आ जाए, आप तो काम के बंदे मिल गए। ये मीटर है, ये तो डेड पड़ा होगा, ये तो टूटा होगा जनाब। ये हमने रिक्वेस्ट लेके दी हुई है वापडा को, और उन्होंने ये रिप्लेस करना है। अब से ये खराब है? ये एक मंथ से खराब है। एक मंथ से खराब है? हाँ जी। एक मंथ से बिजली आप फिर ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं चोरी की? चोरी की तो नहीं कर रहे हैं हम, उनके नोटिस में आई ये बात कि इनका मीटर डेड हुआ पड़ा है। आपने एप्लीकेशन दे सकते हैं कि हाँ एप्लीकेशन दी है हमने? जब मीटर ही नहीं चल रहा तो फिर नोटिस में है ना ये बात? नोटिस में? हाँ जी। और एक माह से इस पर एक्शन ही नहीं लिया गया? नहीं लिया गया ना, अब रिप्लेस होता तो फिर यहाँ पे लगा होता ना, यूनिट्स भी चल रहे होते, सारा कुछ आ रहा होता स्क्रीन पे। और एक माह से जो बिजली का जो हिसाब किताब है वो किसके खाते में जाएगा? वो बिल हमें आते हैं हर मंथ डेली, हर मंथ की बेसिस पे आते हैं। इस माह का बिल आया आपको? आया हुआ है इस माह का। कैसे? वो तो मीटर बंद है तो कैसे बिल आ गया? यूनिट एडजस्ट करके देते हैं ना हमें। यूनिट एडजस्ट करके देते हैं? हाँ जी। ये तो बंद पड़ा हुआ है तो अब ये तो उनसे पूछ सकते हैं ना आप। कितना बिल आता था आपको? 1.5 लाख आता है, 2 लाख तक भी आता है। 2 लाख रुपया यानी कि पर मंथ आपको? हाँ जी। अभी तो नहीं आ रहा? आ रहा है, अभी भी आ रहा है। इस माह का भी आया? इस मंथ का भी है, लास्ट मंथ का आया। आप दिखा देंगे आप इस मंथ? हाँ जी चलें आप दिखा दें। और ये इरफान साहब थे जी, वो बता रहे हैं कि जी इस मंथ का भी बिल आया हुआ है, और हमने एप्लीकेशन दी है जो कि SDO है मुतलका, उसको उसको कैमरा लो। हम इधर ही वेट कर लेते हैं, आप लें, हम कैमरा नहीं लेके आ रहे, हम इधर ही जो है यानी कि वेट कर लेते हैं। और किस तरीके से, और बता रहे हैं कि जी मीटर तो हमारा डेड है, लेकिन वापडा वाले यूनिट एडजस्ट करके, यूनिट जो है वो एडजस्ट करके जो है वो हमको बिल भेज देते हैं। अभी ये भाई अंदर गए हैं बिल लेने के लिए, लेकिन बता रहे थे कि जनाब मीटर जो है हमारा ख़राब है, लेकिन वापडा वाले जो हैं वो यूनिट एडजस्ट करके जो है हमें बेच देते हैं। तो अभी देखते हैं, और बता रहे हैं कि जनाब 1.5 से 2 लाख रुपया बिल जो है इनको पर मंथ आता है, लेकिन ये एक माह से ये ख़राब है। अगर जो बिल है वो किसके खाते में जाएगा? वो तो जाहिर बात है फिर आवाम की जेब में से निकाला जाएगा ना। जो गरीब जिसके घर पे एक पंखा चल रहा है और एक मोटर है और एक इस्त्री चलती है, उसको 20,000 बिल आएगा, वो बिल जो है वो इस तरीके से ही आवाम की जेबों से निकाला जाएगा। कि ये सरकारी जगह है लेकिन मीटर नहीं है। ये पनाह गाह तो PTA के चेयरमैन के दौर में बनाई गई थी, लेकिन अब जो है ये हुकूमत जो है वो निगरान वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी साहब है, और निगरान जो वज़ीर-ए-आज़म है काकड़ साहब, और उनकी तरफ से हदायत की गई थी कि जो बिजली चोर हैं उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन भी किया जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो हैं मुल्क दुश्मन हैं, और ऐसे अनासर जो हैं मुल्क के लिए जो कि नुकसान का ज़रिया बन रहे हैं, ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन होना चाहिए। और हमने ऐसे भी बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं, मुख्तलिफ चौकियों में गए हैं जिनके मीटर ही नहीं थे, लेकिन आज हमें इत्तला दी गई थी कि इस पनाह गाह का मीटर नहीं है। और जब हमने मीटर देखा है तो बिल्कुल डेड पड़ा हुआ है, और एक पिछले एक माह से जो है वो डेड है और वो चल ही नहीं रहा। लेकिन अंदर गया है भाई, कह रहा मेरे पास बिल भी मौजूद है, और समझ से पाला तर है कि जब मीटर ख़राब है तो बिल कैसे आ गया। तो बता रहे हैं कि जी
बिल जो है वो वापटा वाले हमारे जो यूनिट हैं वो एडजस्ट करके बेचते हैं, तो उस हिसाब से जो है वो बिल भी आ गया। लेकिन अभी देखते हैं, अंदर गया हुआ है भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है लाला। से ठीक है? हाँ ठीक है। करीब द मीटर बंद होवे, बत्ती चल रही होवे, उधर तो FIR होगी। सब देखो, सब तो बड़ा मसला इस मुल्क का जरा ना मैं तुम दसना जहालत है। अंग्रेज ने पहले दिन तो जिदन पाकिस्तान बनया सी ना, उदी एक कोशिश सी कि इन्हों जहल ही रखो। मीटर नहीं है बना दे दी, मीटर भी तो लवाने सी ना। वो ये भी एक महकमा बैतुल माल दे जिम्मे में, बैतुल माल का महकमा जरा ना पाकिस्तान का मालक है। बत्ती फ्री दी इस्तेमाल कर, मालक मालक है जो मर्जी करे। अच्छा जी। आहो, बैतुल माल मालक नहीं पाकिस्तान का। तो जेड़े गरीबों नु बिल आ रहे हैं उनका कौन जिम्मेदार? तकरीब नाल मीटर ला के सुट देन। अमीर जितना मुल्क लूटते है लूट सकते है, गरीब को मरने दो, इसके ये मतलब है। क्या कह रहे हैं? ये पाकिस्तान का जैसा नहीं होते है, इसको बोलते है अमीर को जैसा लूट सकते है मुल्क को लूटने दो और गरीब को मरने दो, इसके उल्टा सोचे। इसकी उल्टा सोच वो कह रहे हैं। मीटर ला के ले जी भाई, मीटर मीटर भी ले आए, बिल भी ले आए और ये दिखा जी, ये बिल आया जी। और ये बिल जो है ये नवंबर का है, ये पिछले माह का है, और 3,99,581 रुपये जो है यानी कि ये बिल है। लेकिन इस माह का बिल किधर है? इस मंथ का अभी आया नहीं है, ये अक्टूबर का, नवंबर का भी आना है। आप तो कह रहे थे कि जनाब नहीं नहीं, अक्टूबर का बिल किधर है? ये अक्टूबर 2023 लिखा तो हुआ है। और नवंबर का? नवंबर का भी आना है ना। ये 10 तारीख को आया था। हाँ जी। आज डेट क्या है? आज 13 है। तेरह इस माह का तो आ जाना चाहिए था ना, इस मंथ का भी आने वाला। लास्ट मंथ का बिल आपको 10 तारीख को आया? हाँ। बल्कि इसकी लास्ट डेट 10 तारीख। हाँ जी। आज तो गुजर चुकी हुई है, लास्ट डेट तो 10 ही होती है ना। हाँ जी। तो आज डेट क्या है? 13। आज 13। तो किधर है बिल? तो अक्टूबर नवंबर के बिल आएंगे ना, अभी अक्टूबर का बिल डेट तो गुजर गई है ना। आप कह रहे हैं हमारे पास होगा, आने वाला होगा, पिछले सारे 10 तारीख लास्ट होती है, तो वो कैसे आने वाला होगा? चेक कर लें आप। चलें चेक कर लेंगे हम। आप तो कह रहे थे पड़ा होगा जो हमारे पास। अब ये जो एक माह का जो बिल है ये किसके खाते में जाएगा? आपने ये भी अदा नहीं किया, प्रूफ जो दिखाना, ये भी अदा नहीं किया। चलें ठीक है, अदा नहीं, अभी हमारे पास अमाउंट नहीं है, ये हमने पेंडिंग पे करनी, अमाउंट हमने पे करनी है इसकी। नहीं, ये भी नहीं अदा किया होगा ना। और ये देखिए कितने माह का है, अदा करना है हमने, पिछले एक दो मंथ का पेंडिंग है वो हमने पे करना है। तो 3 माह से वो भी अदा नहीं किया, अभी आप कह रहे नया आना है, तो आएगा तो पे कर देंगे ना। अब हमने पल्ले से थोड़ी पे करना है। ये दिखाएं, ये किस चीज़ के हैं? ये हमने एप्लीकेशन लेके दी है हमारा मीटर नहीं जी, ये एप्लीकेशन भी है। और ये जो बता रहे थे भाई कि मीटर के हवाले से कि जो मीटर इनका डेड हुआ है, और ये उन्होंने SDO साहब को जो है दी थी, और बाखिदमत जनाब SC फर्स्ट सर्कुलर LESCO लाहौर की जानब जो है इन्होंने ये एप्लीकेशन मूव की थी, लेकिन इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। यानी कि पिछले एक माह से ये मीटर तो ख़राब है, और दूसरा इन्होंने 3 माह से बिल ही अदा नहीं किया हुआ। और ये आप देख लें, इनका तकरीबन 4 लाख के करीब जो है इनका बिल है, जो कि अदम अदायगी है इनकी, लेकिन कनेक्शन इनका चल रहा है। गरीब का तो 1-2 माह का बिल हो और वो 10,000 रुपया हो, 5,000 रुपया हो, और दूसरे से तीसरे मंथ वो आके 10,000 के अवज जो है गरीब का मीटर काट जाते हैं। लेकिन इनको लाइट भी दी जा रही है, लेकिन ये लम्हा फिक्री है और सोचने वाली बात है, और सोचने वाली बात है, और ये गफलत है मुतलका SDO की, जो कि जिसके ज़िम्मे में ये एरिया आता है, कि उसकी इतनी बड़ी नेगलिजेंसी है कि अभी तक जनाब इनका जो मीटर है वो भी ठीक नहीं किया गया, और जो इनका बिल है 4 लाख रुपए बिल आ गया उसको भी नहीं अभी तक क्लियर करवाया गया, और बिजली जो है वो अभी फ्री की इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये जितनी यानी कि लाइट इस्तेमाल करेंगे, ये गरीब में से निकलेगी, आप में से, मेरे में से, दूसरे लोगों में से निकाले जाएंगे पैसे। तो ये लम्हा फिक्री है, सोचने वाली बात है, और उस SDO को सोचना चाहिए। और ये उसकी नेगलिजेंसी है जिसके ज़िम्मे में ये चीज़ आती है कि अभी तक इस मीटर को क्लियर नहीं करवाया गया, बिल को क्लियर नहीं करवाया गया। छोटे छोटे गरीब लोगों को जाके आप मीटर उतार लेते हैं, आप उनके कनेक्शन जो है मुनक़ता कर देते हैं, लेकिन इनके कनेक्शन कौन मुनक़ता करेगा? तो ये सोचने वाली बात है। बहुत शुक्रिया।